नमस्कार दोस्तों, वी वाई न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं। 1 नवंबर से मोदी सरकार ने किए बड़े ऐलान, जो SBI बैंक के ATM और डेबिट कार्ड को बंद करने की गई प्लानिंग। जो SBI बैंक ग्राहकों के लिए डिजिटल पेमेंट ऐप शुरू कर रहा है, जिसके जरिए ग्राहक बिना डेबिट कार्ड के पैसे निकाल सकेंगे। कौन सा ऐप है वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। जो SBI बैंक है, आने वाले दिनों में बंद कर देगा डेबिट कार्ड। इस तरीके से निकलेंगे पैसे। जो SBI के ग्राहक आने वाले दिनों में बिना डेबिट कार्ड के ATM से पैसे निकाल पाएंगे। SBI डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के मकसद से डेबिट कार्ड ATM कार्ड को बंद करने की योजना पर काम कर रहा है। SBI के ग्राहकों के पास 90 करोड़ ATM कार्ड हैं, जिसका इस्तेमाल आने वाले दिनों में बंद हो सकता है। जो SBI के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार ने बताया है कि जो जल्द ही बैंक अपने सभी डेबिट कार्ड को विड्रॉ कर लेगा, जिसके बाद SBI के ग्राहक डिजिटल पेमेंट सर्विस के जरिए पैसे निकाल पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भी बैंक ने इस योजना पर अगले 18 महीने से काम करेगा। ATM विड्रॉ करने का मकसद देश में डिजिटल पेमेंट सर्विस को बढ़ावा देना है। हालांकि लोगों के मन में ATM बंद होने को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। वे सोचते हैं कि जो डेबिट कार्ड है उन्हें बंद हो जाएगा तो पैसे कैसे निकालेंगे। इसका जवाब भी SBI का डिजिटल पेमेंट जो गेटवे है योनो, ये एक SBI का एक ऐसा ऐप है जिसके जरिए ग्राहक आसानी से पैसे निकाल सकेंगे। इसका फ़ायदा भी यह है कि ग्राहक बिना किसी फ्रॉड से बच सकेंगे, जो ATM से फ्रॉड होता है। ATM कार्ड भी अपने पास रखने का झंझट नहीं रहेगा। इस योनो ऐप के जरिए ग्राहक पैसे निकालने के अलावा शॉपिंग भी कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक SBI ने देश में अब तक 68,000 योनो कैशपॉइंट लगाए हैं। बैंक अगले 18 महीने के दौरान इसकी संख्या 10 लाख तक करने वाला है। क्या है योनो ऐप के जरिए कैसे निकालेंगे पैसे का तरीका, देखते हैं, हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। SBI बैंक ने इस सर्विस को इसी साल मार्च से शुरू किया गया है। इसके जरिए पैसे निकालने के लिए आपको फ़ोन में योनो ऐप का होना ज़रूरी है। हम आपको बता दें कि बिना डेबिट कार्ड के ATM से कैसे नकदी निकाली जा सकती है। एक ऐसी और खबर से हम आपको अवगत कराते हैं। जो SBI बैंक है उसके 1 नवंबर से बदल गए हैं ये नियम, जिसे करोड़ों ग्राहकों की सेविंग पर सीधा असर पड़ा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो ने अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को देखते हुए बैंक डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों को कम कर दिया गया है, जिससे अब 1 लाख रुपए तक के बैंक डिपॉजिट पर 3.50% की जगह 3.25% पर ब्याज मिलेगा। ये नई ब्याज दरें 1 नवंबर 2019 से लागू होगी। SBI बैंक ने बैंक डिपॉजिट के अलावा टर्म डिपॉजिट और बल्क डिपॉजिट पर जो ब्याज दरें हैं 10 बेसिक पॉइंट और 30 बेसिक पॉइंट घटा दी गई हैं। ये जो नई दरें हैं 1 से 2 साल तक के टर्म डिपॉजिट पर लागू होंगी, जो 10 अक्टूबर से लागू हो चुकी हैं। जो FD पर ब्याज दरें घटाने के अलावा जो SBI बैंक ने छठी बार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए MCLR घटा दिया गया, यानी कि जो SBI बैंक का होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन आदि का लोन देना और सस्ता हो गया है। अब नई दरों के मुताबिक MCLR दर 10 अक्टूबर से 8.05% होगी। जो SBI बैंक ने जो ब्याज दरों को 10 बेसिक पॉइंट की कटौती की है, दिवाली से पहले जो ब्याज दरों की कटौती कर SBI बैंक ने लाखों ग्राहकों को तोहफा दे दिया है। SBI बैंक के जो लोन पर नई ब्याज दरें हैं वो 8.15% से घटाकर 8.05% हो गई है। ये नई जो दरें हैं 10 अक्टूबर से लागू हो चुकी हैं। SBI बैंक ने दरें जो RBI के रेपो रेट घटाने के बाद किया गया है। RBI जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोगों को दिवाली पर एक और जो तोहफा दिया है। RBI ने रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट की कटौती की, जिसके बाद जो रेपो रेट है वो 5.40% से घटाकर 5.15% हो गए हैं। जो रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली मैट्रिक नीति समिति 3 दिन की बैठक की और 4 अक्टूबर को रेपो रेट की कटौती की गई थी। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।